नमस्कार, मैं हूं केंद्र कुमार, आप देख रहे थे एचडी न्यूज। अभी हम पहुंचे हैं राजद कार्यालय में। राजद कार्यालय में आज तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव पूरे गुस्से से लाल थे और सरकार पर पूरी तरह से सादा निशाना। तेजस्वी यादव बोले कि स्वास्थ्य विभाग में जो रिक्त पदे हैं उसको भर्ती नहीं की जाती है और कोरोना जैसे महामारी में अगर बिहार में चुनाव होती है तो लाशों के ढेर पर होगी पूरा बीजेपी वापिस। क्या करे ना करे, लेकिन स्थिति बड़ी भयावह है और इसमें सरकार को जो है वो ध्यान देना चाहिए। नहीं नहीं, पक्ष जो है हम लोगों ने साफ तौर पे पहले भी कह दिया, क्या कि इतनी जल्दबाजी क्यों? हम इतना साफ साफ कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी को इतनी हड़बड़ी क्यों है, इतनी बेचैनी क्यों है? आप जो है बिहार के लोगों का ध्यान रखना चाहिए, तो आपको अपनी कुर्सी की चिंता क्यों हो रही है भैया? अगर आपने 15 साल में काम किया होगा तो आपको ये सब रैलियां करने की जरूरत नहीं है। आप निश्चिंत रहे, आप अपना काम करते रहे, आगे ले जाना। इसलिए चुनाव होता है कि लाशों के ढेर पे चुनाव कराना चाहते हो, लोगों को मार करके चुनाव कराना चाहते हो। अब जो सुनने में आ रहा है आप रैली करेंगे, ये लोग एक एक हफ्ता रैली करेंगे, इन चीजों को कौन सुधारेगा? आखिर इतनी जल्दबाजी है क्यों चुनाव की? कौन सा घबराहट है? क्या मुख्यमंत्री को डर सता रहा है कि राष्ट्रपति शासन में चुनाव ना हो जाए? बिहार मर रहा है, हाहाकार मचा रहा है, ये उनका रिपोर्ट है। एक तरह से वो कबूल कर रहा है बिहार में, तो क्या हो रहा है भाई? यहाँ चुनाव की तैयारी चल रही है, हम लोग सड़क पर हैं, महंगाई से मर रहे हैं लोग, बेरोजगारी से मर रहे हैं। बिहार में कोई कारखाने नहीं बने, कोई इंडस्ट्री नहीं आया, कोई निवेश नहीं आया, लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर है, गोलियों से पुलिस वालों का इनकाउंटर हो रहा है।